लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना, प्यार कर बैठा तुमसे। मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा फंसूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू तेज मंडी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और आज हम बात करेंगे आयरन मैन के एक बिग अपडेट के बारे में, जो कि हम फैंस को सरप्राइज कर दिया। और देन ये ट्रेलर देखने के बाद आपको ये अपडेट पता भी नहीं चला होगा, ना आपने कभी सोचा भी होगा। तो हम बात करेंगे आयरन मैन के उस ट्रेलर के सीन के बारे में, जिसमें कि आयरन मैन ने कुछ ऐसी लाइनें बोली, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना, प्यार कर बैठा मैं तुमसे। मैंने कहा था कि कभी भी हीरोगिरी नहीं करूंगा, पर मुझे क्या पता कि मैं इतना बुरा फंसूंगा। तो गाइस, ये जो आयरन मैन की लाइनें थी, ये काफ़ी इमोशनल और दर्दनाक थी, इसमें सब कुछ था। तो ये मैं आपको बता दूं कि अपडेट ये है कि आयरन मैन ने ट्रेलर में जो लाइनें बोली थी, ये एक मैसेज था, जो कि एक वॉइस मैसेज उसने अपने हेलमेट में रिकॉर्ड करा था। और ये मैसेज सीधा जाके रिसीव हुआ हमारे एवेंजर्स को और पेपर को। और पॉसिबिलिटी इन दोनों में से भी कोई कंफर्म नहीं कि किसको मैसेज रिसीव हुआ, पर अपडेट ये है कि ये एक ऑफिशियल मैसेज था, वॉइस मैसेज, जो कि रिसीव हुआ एवेंजर्स को और पेपर को। अब देखते हैं कि या तो रेस्क्यू आर्मर इसे बचाता है, या नेबुला और आयरन मैन एक साथ मिलकर अर्थ पर पहुंचते हैं। क्या होता है इन फ्यूचर, ये तो आगे मूवी देख के ही पता चलेगा। तो कैसा लगा अपडेट, तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आया तो लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।